कल की वीडियो में बेटा आपके पास 9th वाला क्वेश्चन हो गया था, अभी आपको 10th वाला क्वेश्चन पढ़ना है। 50 सीड्स वेर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ अ 5 बैग ऑफ अ सीड एंड वेर किप्ट अंडर क्या है स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल टू द जर्मिनेशन आफ्टर 20 डे द नंबर ऑफ सीड विच हैज जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वेयर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड आर एस फॉलोज। आपको यहाँ पे जो दिया है रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड आपको जर्मिनेशन शीट जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है। कितनी बैग है बोलते हैं आपके पास 5 बैग्स दिए हुए, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बैग्स दिए भी हैं और नंबर ऑफ शीट्स जर्मिनेटेड यानी जो शीट जर्मिनेटेड हुए उसके बारे में आपको यहाँ पे डाटा दिया है। यानी आपके पास फर्स्ट बैग में कितनी शीट है जो जर्मिनेट हो रही है 40, सेकंड में 48, 42, 39 एंड 41। What is the probability of the germinated more than 40 seed in a bag, 49 seed in a bag, more than 35 seed in a bag? आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों क्वेश्चन की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अभी यहाँ पे आपके पास टोटल कितने दिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितनी आपके पास 5। फर्स्ट इसमें आपको क्या बोला है नंबर ऑफ बैग, आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा था मोर देन 40 बैग्स इन अ, क्या बोला था मोर देन 40 सीड इन अ बैग, 40 से ज़्यादा शीड ऐसी कितनी बैग है जो 40 से ज़्यादा शीड है। नंबर ऑफ बैग इन विच मोर देन 40 शीड जर्मिनेटेड आउट ऑफ 50 शीड इन 3 बैग, आपके पास 40 से ज़्यादा डाटा कितने इसमें 3, देखो 1 2 और ये 40 से ज़्यादा बोले तो 1 2 ये 3 यानी 41 42 एंड 48, तो आपके पास कितना आया 3। तो अपन प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे, जर्मिनेटेड ऑफ मोर देन 40 शीट्स इन अ बैग 3/5 इज इक्वल टू 0.6। अभी यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन, अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया बेटा 49 शीट्स इन अ बैग, आपको क्या बोला हुआ है 49 शीट्स इन अ बैग, तो क्या लिखेंगे अपन नंबर ऑफ बैग इन विच 49 शीट्स, नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 शीट जर्मिनेटेड 0। यानी अपने पास 49 शीट कौन से बैग में है, कोई बैग में नहीं, तो आंसर क्या आएगा बेटा उसका 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी जर्मिनेटेड ऑफ 49 शीट्स इन अ बैग इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू 0। फिर आपको थर्ड इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा है मोर देन 35 शीट्स इन अ बैग, आपके पास क्या लिखा है नंबर ऑफ बैग्स In which more than 35 sheets germinated is equal to 35 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा तो हर एक बैग में बेटा जर्मिनेटेड दिए हुए अपने पास, यानी 48 40 39 सब 40 35 से ही दिया, तो कितना आएगा बेटा 5। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बेटा अपन, प्रोबेबिलिटी तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या लिखेंगे मोर देन 35 शीट जर्मिनेटेड ऑफ मोर देन लिखा है बेटा मोर देन 35 शीट्स इन बैग आपके पास ऐसा कितना है बैग 5 दिए भी है बेटा, तो 5/5 इज इक्वल टू 1। ये हो गया बेटा आपके पास 10th वाला क्वेश्चन, ये हो गया आपके पास 10th वाला क्वेश्चन बेटा, पढ़ लीजिए। अभी आपके पास एक्सरसाइज 15.1। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल शी प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी नॉट हिट अ बाउंड्री। यानी आपके पास 30 बॉल्स है, 30 बॉल्स में 6 कितने टाइम उसने बाउंड्री बात दी बोलते हैं 6 टाइम बाउंड्री में बॉल गया उसका। यानी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी आपके पास कितने टाइम जो बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं गया, यानी आपके पास ऐसे 6 जो है जो बाउंड्री लगी है और ऐसे बचे भी कितने हैं वो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है।
तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, एक बार डबल से समझा रही हूँ आपको। क्रिकेट मैच के बारे में बोला है, बैट्समैन ने बाउंड्री 6 times out of 30 balls, यानी 30 ball में उसने 6 times बाउंड्री बॉल यानी बाउंड्री लगी बोलिए। फिर आपके पास बची कितने टाइम जो बाउंड्री नहीं लगी उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सिंस इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 times out of 30 ball, शी मिस द बाउंड्री, यानी जिसकी बाउंड्री मिस हो चुकी है ऐसे 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो 24 times out of 30 ball, यानी आपके पास क्या दिए भाई बेटा 24 टाइम्स है जो बॉल बाउंड्री पे नहीं गई। यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो क्या आएगा, द प्रोबेबिलिटी बैट्समैन डज नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास कितना दिया डाटा 24/30, तो आपके पास इसका कितना जाएगा 4/5। ये हो गया बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व। सेम वैसे आपके पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बेटा, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा आपको यहाँ पे जो डाटा दिया है उसमें आपको पूछा है, जो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी कल इसकी प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व कर दूंगी। 1500 फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन वेयर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड। आपको 1500 फैमिलीज में जिसके विद टू चिल्ड्रन, जहाँ पे टू चिल्ड्रंस है ऐसी फैमिली का, कितनी फैमिली 1500, यानी टोटल डाटा कितना दिया आपके पास 1500, सिलेक्टेड रैंडमली द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड, यानी आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, आपके पास कितने फैमिली में यानी गर्ल्स का डाटा यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज, जहाँ पे दो गर्ल्स है ऐसी कितनी फैमिली है 475, जहाँ पे एक ही गर्ल्स है वहाँ पे कितना है 814, और जीरो गर्ल्स, जहाँ पे जीरो गर्ल्स बोलने का मतलब बॉयज ही है। अब वन है या टू ऐसा बोला है क्या, नहीं, अब जीरो गर्ल्स बोले तो आपके पास एक भी बॉयज़ हो सकता है, टू भी बॉयज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आपको टू चिल्ड्रन के बारे में बोल रहे हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे जीरो गर्ल्स, तो यानी कितना डाटा है 211। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट अ रैंडम हैविंग टू गर्ल्स। अभी आपको टू गर्ल्स की, फिर वन गर्ल्स की, फिर नो गर्ल्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। वे चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज वन, उसकी चेक भी करना है क्या प्रोबेबिलिटीज वन आती है क्या। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आपको टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दिए बेटा आपको 1500, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स कितनी आपके पास 475, तो प्रोबेबिलिटी हैविंग टू गर्ल्स इज इक्वल टू 475/1500, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 19/60, ये आपके पास आंसर आ गया बेटा। फिर आपको सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, वन गर्ल्स के बारे में बोला है, तो क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वन गर्ल्स कितना दिया है डाटा बेटा 814, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी हैविंग वन गर्ल इज इक्वल टू कितना जाएगा 814 डिवाइडेड बाय 1500, तो आंसर कितना आ गया बेटा 407/750। थर्ड इसमें क्या दिए हुआ है, थर्ड इसमें बोला भाई आपको नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल्स कितना दिया है डाटा बेटा आपको 211 डाटा दिया है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हैविंग नो गर्ल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 211/1500, तो आंसर कितना आ गया बेटा 211 अपॉन
तो इसका आंसर कितना है बेटा आपके पास, जैसा का वैसे ही रखा अपन ने, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है इसके लिए इसको अपन ने जैसा का वैसा ही रखा, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी सम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना आ जाएगा आपके पास, 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1500, अगर इसको करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 7000 प्लस 814 प्लस 200 इज इक्वल टू 1500/1500 इज इक्वल टू 1, यानी आपके पास ये आ गया बेटा आंसर सेकंड का। यानी आपको जो पूछे भी है, टू गर्ल्स की पूछे भी प्रोबेबिलिटी, तो अपने टू गर्ल्स की निकाले, फिर आपको वन का पूछा है तो वन की प्रोबेबिलिटी निकाले, फिर आपको पूछा है नो गर्ल्स की तो आपने नो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है, फिर आपको उसकी सम पूछी है तो अपने सम करके उसका आंसर निकाला है 1। अब इसके आगे का थर्ड वाला क्वेश्चन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।